ससुराल में पहली सर्दी। शांति जी, आज चाय मिलेगी कि नहीं? ये लीजिए आपकी चाय। क्या बात है, आज सुबह की चाय में बड़ी देर लगा दी। सवेरे से तो साफ सफाई में लगी थी। पंडित जी को बुलाया है विवेक की शादी के लिए। बहू आ जाएगी तो घर संभाल लेगी। आखिर इस बुढ़ापे में कब तक मैं अपना हाथ पांव चलाऊंगी। नमस्ते शांति जी। आइए आइए पंडित जी। देखिए पंडित जी, बेटा बैंक में मैनेजर है, घर में कोई कमी नहीं, बस अब बहू बिना घर संसार अधूरा है। जी जी, ये रही लड़की की तस्वीर और इसका नाम ऋतु है। तस्वीर देखते ही शांति को ऋतु पसंद आ जाती है। ये लड़की मेरे घर को अच्छे से संभाल लेगी। क्या शांति की सोच में ऋतु खरी उतर पाएगी? ऋतु चल अब उठ भी जा, सुबह के 10 बज गए हैं और तू अभी तक रजाई में पड़ी है। सोने दो ना माँ, मुझे सर्दी लग रही है। तभी मालती रजाई खींच कर कहती है, ये पकड़ चाय, घोड़ी हो गई है मगर दिन भर सर्दी के नाम से रजाई में घुसी रहती है। पता नहीं ससुराल जाएगी तो क्या ही करेगी। मम्मी तुमने वो गाना नहीं सुना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून जुलाई, सासू सारा काम करे बहु रानी ले अंगड़ाई। ऋतु, हकीकत जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ससुराल ससुराल होता है और मायका मायका, समझी? मुझे तो तेरी चिंता होती है, ससुराल में तेरी पहली सर्दी कैसे बीतेगी, कैसे करेगी तू सब। अच्छा बता, नाश्ते में क्या खाएगी? माँ मक्के की रोटी और सरसों का साग, वो भी देसी घी के तड़के का। माँ मेरा खाना कमरे में ला देना। ऐसे ही थोड़े वक्त में ऋतु और विवेक की शादी हो जाती है, जहाँ शांति उसका स्वागत करती है। आओ आओ बहुरानी, इस परिवार में तुम्हारा स्वागत है। अब तो मुझे रोटी पानी की जिम्मेदारी से छुट्टी मिल गई। अब मेरा घर संभालने वाली बहू जो आ गई है। ये सुनकर ऋतु को बड़ा धक्का सा लगता है। विवेक जी, आप तो बैंक मैनेजर हैं, फिर भी आपके घर में काम करने के लिए कोई नौकर चाकर नहीं? वो इसलिए ऋतु, क्योंकि बैंक मैनेजर तो मैं अभी थोड़े दिन पहले ही बना हूँ। घर तो माँ ही संभालती आ रही है, मगर मैं माँ को बोल दूंगा नौकरानी रखने को। अगले दिन विवेक शांति से बात करता है। विवेक बेटा, पहले ही तेरी शादी में इतना खर्चा लगा है, और जब घर में बहुरानी है तो नौकरानी रखने की क्या जरूरत है? मगर सासू माँ, सर्दी में मैं कैसे काम करूंगी? अरे बहू, पहले ये महीने तो बीतने दे, जब सर्दी आएगी तो देखी जाएगी। ये कहकर शांति बड़ी सफाई से बात को टाल देती है। ऐसे ही कुछ महीने बीतने के बाद सर्दी भी आ जाती है, जिसके बाद से ऋतु को ठंडे पानी में काम करने में परेशानी होने लगती है। अरे ओ बहुरानी, आज चाय बन जाएगी कि बाहर से खरीद कर पीनी पड़ेगी? काश की कह पाती बाहर से पी पाओ। आई माँ, ये पानी एकदम बर्फ जितना ठंडा है। इतनी सर्दी में इस ठंडे पानी से बर्तन मांझ कर हाथ जमने को हो रहे हैं। सोचा नहीं था कि मेरी ससुराल की पहली सर्दी ऐसे बीतेगी। बहू सर्दी के मारे खुद में बड़बड़ाते हुए चाय बनाकर सास ससुर को देती है। सासू माँ, ससुर जी, चाय। ये ले बहू, ये आलू ले जा, खाने में आलू के पराठे बना देना और साथ में चटनी पीस देना। और सुन, आलू जरा साफ से धोना, थोड़ी बहुत मिट्टी जमी है। फिर बहू खाना बनाने में लग जाती है। सासू माँ को भी ये आलू कचालू के बच्चे ही लाने थे, इतने छोटे छोटे आलू हैं, इस पर इतनी मिट्टी सनी हुई है, इसे धो धोकर मेरे हाथ लाल पड़ गए, मगर ये आलू है कि साफ ही नहीं हो रहे। अरे क्या बिगड़ जाता सासू माँ का अगर बड़े बड़े आलू खरीद लेती? लेकिन नहीं, उन्हें तो मेरा काम बढ़ाना था। पता नहीं कैसी कंजर कंजूस मक्खी चूस सास मिली है। इतने में रसोई के दरवाजे पर खड़ी सास सब सुन लेती है और गुस्से में उसे बहुत सुनाती है। क्यों बहू, क्या बुराई है इन आलू में? जरा से छोटे ही तो हैं, सस्ते मिल गए तो ले आई। सर्दी बचत करने का महीना होता है, समझी ना, खर्चा करने का नहीं। और तू अपने घर से इतना दहेज ढोकर नहीं लाई? ये तो ससुराल में तेरी पहली सर्दी है तो ये हाल है, पता नहीं आगे क्या क्या करेगी। सास की जली कटी बातों से बहू की आंखें भर आती हैं। ऐसे ही वक्त बीतता है और अब बढ़ती सर्दी के चलते दिन भर भी कोहरा और धुंध छाया रहता है। बहू, आज खाना बनाकर ये सारे चादर पर्दे धो देना, कितने गंदे हो गए हैं। तू बस घर के जरा से काम में ही दिन बिता देती है। ठीक है सासू माँ, मैं मशीन लगा देती हूँ। अरे जरा से तो कपड़े हैं, मशीन में क्या धोना, हाथ से धो ले। मगर माँ जी, इतनी सर्दी पड़ रही है,
काम चोरी करना तो कोई तुझसे सीखे। बहू, मैं यहाँ बचत करने की सोच रही हूँ और तू बिजली फूंक रही है। चुपचाप से हाथ मलकर धोले कपड़े। शांति वॉशिंग मशीन चलाने के लिए मना कर देती है। ऐसे में बेचारी बहू घंटों तक ठिठुरते हुए ठंडे पानी से कपड़े धोती है, जिससे उसके हाथ सुन्न पड़ जाते हैं और तभी थापी छूट कर उसके हाथ पर गिर जाती है, जिससे सर्दी में बहुत जोर से चोट लगती है। आह, माँ मेरा हाथ। मैंने सही कहा था, ससुराल ससुराल ही होता है, यहाँ बहुओं का दुख दर्द समझने वाला कोई भी नहीं होता। चोट लगने के चलते ऋतु का हाथ पूरी तरह से सूज जाता है। उसी शाम गली में सब्जी वाला आता है। ये आलू ले, भिंडी ले, गोभी ले, मटर ले, कटहल ले, सरसों ले, बथुआ ले। अरे ओ बूधन, आ गया तू। तभी ठेले पर साग देखकर बहू का मन ललचा जाता है। अरे ओ भैया, ये साग क्या भाव दिए? अरे सरसों 60 रुपए किलो है भाभी जी। सासू माँ, 1 किलो सरसों का साग खरीद लीजिए। कितने दिनों से सर्दी पड़ रही है, मगर अभी तक हमने एक बार भी सरसों का साग और मक्के की रोटी नहीं खाई। मेरा बड़ा मन कर रहा है। अरे बहू, ये सरसों भी कोई खाने की चीज है? बूधन, 1/2 किलो कटहल तौल दे, और ये मूली के पत्ते, इसका क्या करेगा तू, ये भी दे दे। ले बहू, इसका साग बना लेना, ये भी तो बढ़िया बनता है और मूली का पत्ता फायदा भी करता है। सास की कंजूसी से बेचारी ऋतु मन मार कर रह जाती है। फिर एक दिन, माँ जी मेरे लिए 1/2 स्वेटर खरीद कर मंगा दीजिए। मेरे पास 2 ही स्वेटर हैं, वो एकदम गीले हैं, सर्दी भी बहुत है। अरे बहू, अब स्वेटर खरीद कर क्या करेगी, बक्से में धरे के धरे रह जाएंगे, थोड़े दिन में तो सर्दी बीतने वाली है, तू रुक जरा। ये बोलकर शांति एक बक्से से बड़ा पुराना स्वेटर निकाल कर उसे देती है। माँ जी, ये स्वेटर तो जगह जगह से फटा हुआ है। अरे जरा सा तो फटा है, घर में कौन देखता है, पहन ले। ये मेरी ससुराल में पहली सर्दी है, फिर भी सासू माँ मेरे लिए 1/2 स्वेटर भी नहीं खरीद रही है, बल्कि ये फटा स्वेटर सर्दी काटने के लिए दे दिया। जगह जगह से फटे होने के चलते उस स्वेटर में बेचारी बहू की सर्दी नहीं जाती और उसे ठंड लग जाती है। ऋतु बुखार से तपने लगती है और उसमें भी वो काम करती है। आखिर में जब वह रो रो कर अपनी माँ को फोन करके सारी बात बताती है और मालती विवेक को फोन मिलाती है। प्रणाम माँ जी। दामाद जी, मैंने अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में ये सोच कर दिया था कि आप मेरी बेटी को बहुत खुश रखेंगे, मगर ये सब क्या सुन रही हूँ। मैं ससुराल में बहू बनने के बाद ऋतु की पहली सर्दी है और समधन जी ने मेरी बच्ची के लिए 1 स्वेटर तक नहीं खरीदा और उसे एक एक चीज के लिए तरसा रही है। माँ जी आप परेशान मत होइए, मैं बात करता हूँ माँ से। विवेक अपनी माँ से बात करता है। ये सब क्या है माँ, आपकी कंजूसियों के चलते आज ऋतु का क्या हाल हो गया है? अरे इतना भी क्या बचत करना माँ। देखो जी कैसे माँ को आंखें दिखा रहा है, जरूर बहू ने इसके कान भरे होंगे, ये मेरे विवेक के शब्द नहीं है। अरे बस भी करो, भाग्यवान हर बात के लिए बहू को दोष देने से पहले जरा उसकी हालत तो देखो। माँ, जब मेरी बीवी का पहले ही सर्दी में उसके ससुराल में ये हाल है तो आने वाली सर्दियों में क्या बीतेगी। पति और बेटे से इतनी सुनकर शांति को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं। बहू मुझे माफ कर दे, मैं तो बस थोड़ी बचत करना चाहती थी, मगर मेरी कंजूसियों के चलते आज तेरा ये हाल है। ऋतु अपनी सास के आंसू पोंछती है। अगले ही दिन शांति अपनी बहू के लिए उसकी पसंद के सर्दी के गर्म स्वेटर खरीदती है और साथ ही उसके साथ मिलजुल कर काम भी करवाती है। इस तरह से ससुराल में बहू की पहली सर्दी बीतती है। जी उठिए ना, आप मुझे और हमारे बच्चों को इस तरह से बीच मझधार में यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। हे भगवान, ये क्या हो गया, अब हमें कौन देखेगा। गरीब जानकी की आंखों के सामने उसके पति बुधन की लाश होती है। अपनी जान जोखिम में डालकर बुधन 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए बिजली के लिपटी नंगे तारे ठीक करता है, जिसने आज उस गरीब की जान ही ले ली। तभी जानकी के 5 बेटों में से अखिलेश उसके आंसू पोंछता है। माँ रो मत माँ, मैं हूं ना, मैं कमा कर खिलाऊंगा तुम्हें और अपने भाइयों को। हर माँ बाप की तरह बुधन और जानकी भी अपने 5 बेटों को अच्छी जिंदगी और भविष्य देना चाहते थे,
मगर बुधन की मौत ने उनके हाथों से कलम छीनकर उनके कंधों पर घर का बोझ डाल दिया और इसी तरह से उस कच्ची झोपड़ी में दो वक्त की रोटी कमाते हुए 15 साल बीत गए। समय है कि अब मैं अपने पांचों बेटों की शादी के बारे में सोचूं। जय राम जी की जान की बहन। आइए पंडित जी, ये रही मेरे पांचों बेटों की तस्वीर जिनके लिए आपको लड़की ढूंढनी है। बहन जी, आपके बेटों के लिए लड़कियां तो मेरी नजर में हैं, जो बड़ी ही संस्कारी और सुशील हैं, मगर वो बड़े ही गरीब घर से हैं, इसीलिए उनके पिता दान दहेज नहीं दे पाएंगे। पंडित जी, मैंने खुद गरीबी भरे दिन देखे, इसलिए मुझे खुद दहेज नहीं चाहिए। बस ऐसी बहू चाहिए जो मेरे घर परिवार को जोड़ कर रखे। पंडित जी जानकी के पांचों बेटों का रिश्ता लेकर गुड़ी नाम के घर जाते हैं। तभी पूनम भराई आंखों से कहती है, बाबूजी, हम पांचों अभी शादी नहीं करना चाहती, हम पढ़ना चाहती हैं। 10वीं तक पढ़ा चुका हूँ मैं तुम पांचों को, इतना बहुत है। इससे ज्यादा पढ़ाकर कौन सा तुम अफसर या कलेक्टर बन जाओगी? करना तो तुम्हें चूल्हा चौका ही है, अब मैं तुम्हारा बोझ और नहीं उठा सकता। गुड़ी राम की बातों में भरी कड़वाहट के पीछे छिपी थी उसकी चिंता, क्योंकि जिस समाज में वो जी रहा था उसमें एक गरीब के लिए जवान बेटियों को घर बिठा कर रखना, हर दिन 100 ताने, बातें और गालियां खाना था। आखिर में आशा, पूनम, राधा, नीलम और विद्या की शादी हो जाती है और वह ससुराल आ जाती है, जिसमें घर के नाम पर उनके पास थी तो बस एक सालों पुराना कच्चा घर जो कब ढह जाए। आओ आओ मेरे घर की लक्ष्मियों, इस ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। पांचों गृह प्रवेश करके अपने गरीब सास के पांव छूती हैं। जुग जुग जीती रहो मेरे घर की लक्ष्मियों, जानती हूँ मेरा घर बहुत छोटा है, मगर जो है यही है। फिर शादी की रात पूनम अखिलेश से कहती है, अखिलेश जी, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मगर सब खत्म हो गया। पूनम, रो मत, तुमने जो सपने देखे हैं उसे मैं पूरा करूंगा। जानती हो पूनम, घर की जरूरत को देखकर हम भाई बहुत छोटी उम्र से कमा रहे हैं। हमारा भी सपना था पढ़ लेकर कुछ बनने का, मगर मैं चाहता हूं कि तुम पढ़ो, मैं खुद को गिरवी रखकर भी तुम्हें पढ़ाऊंगा, यकीन मानो। ये सुनकर खुशी से पूनम की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। वह अपने पति के गले से लग जाती है। अगले दिन अखिलेश जानकी को ये बताता है, माँ, बिंदिया भी पढ़ना चाहती है और शिक्षक बनना चाहती है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरी बहुएं पढ़ने की और जीवन में कुछ करने की इच्छा रखती हैं। बहु, आज से तुम पढ़ो, खूब पढ़ो। मगर माँ जी, हमारी पढ़ाई में लाखों रुपए लगेंगे, इस गरीबी में हमारे पति दो वक्त की रोटी इतनी मुश्किल से कमाते हैं, पढ़ाई के लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे? बहु, मैं और मेरे पांचों बेटे मेहनत करेंगे, तुम जीवन में सफल हो सको, ताकि कल को जब लोग तुम्हें देखें तो कहें, वो देखो, गरीब जानकी की अफसर कलेक्टर बहू जा रही है। अगले दिन जानकी की पांचों बहुएं 10वीं के बाद की पढ़ाई के लिए दाखिला लेती हैं और मन लगाकर पढ़ती हैं। मगर ऐसे में कई दिनों तक उनके पास इतने भी पैसे नहीं होते कि वह दो वक्त का खाना खा सके। कई रोज वह नमक पानी पीकर सोते हैं। पैसे के बलबूते पर जहां अमीर सफल पर सफल होते चले जाते हैं, वहीं एक गरीब को भूख की आग में तपना पड़ता है। समय बीतता है और 2 साल बाद वह 12वीं पूरी करती हैं। पूनम दीदी, अब तो हम पांचों बहुओं ने 12वीं कर ली, मगर आगे कॉलेज की फीस भरने के लिए एक जन की फीस 10,000 है, मतलब हम पांचों की फीस 50,000 रुपए, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? क्यों ना हम तीनों घर में कोई छोटा मोटा काम कर ले। अभी तो हमने सिर्फ अपनी सफलता की पहली सीढ़ी पार की है, अब हम पांचों को अपने पति और अपनी गरीब सास के साथ कुछ करना होगा। पैसे जोड़ने के लिए विद्या घर में ट्यूशन देने लगती है, पूनम और राधा घर की जिम्मेदारियां देखती हैं और आशा, नीलम नौकरी पर लग जाती हैं। पूनम बहु, राधा बहु, मैं कोटा जा रही हूँ, गेहूं चावल मिलने वाला है। रुकिए माँ जी, राशन हम दोनों ले आते हैं, पहले ही आप हम बहू की पढ़ाई लिखाई का बोझ उठा रही हैं। पूनम बहू, तुम पांचों को पढ़ना लिखना तुम्हारी इस गरीब सास के लिए बोझ नहीं बल्कि खुशी है। जानती है बहू, एक गरीब से ना लोग उसका सब कुछ छीन सकते हैं, बस एक विद्या ही ऐसी चीज है जो उनसे कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारे ससुर जी के जाने के बाद मैंने बहुत दुख देखे हैं, अगर पढ़ी लिखी होती तो खुद कोई काम करके अपने पांचों बेटों को पढ़ाती लिखाती और उन्हें पालती पोसती,
तो आज मुझ गरीब माँ के बेटे मजदूर ना होते, बल्कि वो भी कलम की कमाई खा रहे होते। ये कहते कहते जानकी की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं, जिसके बाद उसकी दोनों बहू उसके साथ जाकर कोटे से गेहूं चावल लाकर अपने हाथों से चक्की में उसे पीसती हैं। वह दिन भर अपना काम करती हैं और रात में बड़ी ही मेहनत और लगन से लालटेन की रोशनी में जाग कर पढ़ाई करती हैं। इसी तरह से साल बीतते गए। जानकी अपनी बहू के लिए एक माँ बनकर जिम्मेदारियां निभाती। साल बीतते गए, फिर एक दिन उन्हें लेटर आता है। आशा बहू, देखना तेरे लिए चिट्ठी आई है। मेरे लिए माँ जी? जैसे ही आशा वह चिट्ठी खोलकर पढ़ती है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। क्या हुआ, क्या लिखा है इसमें? माँ जी, मैं अफसर बन गई माँ जी। आशा अपनी सास के पैर छूती है और पहली पोस्टिंग के लिए चली जाती है। जानकी की बाकी चारों बहू भी अपनी मेहनत में लगी होती हैं। पूनम तड़के भोर 4 बजे से ही दौड़ लगाती, विद्या नेट की परीक्षाएं देती और नीलम लॉ पढ़ती। वहीं राधा कलेक्टर की पढ़ाई करती और आखिरकार उनकी मेहनत से उन पांचों को अपनी मंजिल मिलती है और पांचों एक साथ लौटती हैं। पूनम पुलिस की खाकी वर्दी में, वहीं नीलम वकील के काले कोट में, विद्या शिक्षक के रूप में और राधा और आशा अफसर और कलेक्टर बनकर बहुत से तोहफे लेकर लौटती हैं। प्रणाम माँ जी, कैसी हैं आप? मेरे घर की लक्ष्मियां लौट आई। तुम पांचों की सफलता देखकर आज मैं बहुत खुश हूं। माँ जी, आपने और हमारे पति ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है, उसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं जो हम कह सके, मगर ये तोहफा आप सभी के लिए। जैसे ही जानकी डब्बा खोलती है, उसमें बड़ी महंगी साड़ी होती है। माँ जी, कैसी लगी ये साड़ी? बहुत बहुत अच्छी है। तो फिर ये फटी हुई साड़ी उतारकर आप इसे पहन लीजिए। जानकी अपनी बहू का दिया वह साड़ी पहन लेती है। उसकी आंखों से बस आंसू बहते जा रहे थे। ऊपर वाले, तूने मुझसे जो छीना आज उसे बढ़ा कर दिया है। आज मुझ गरीब सास की पांचों बहुओं को सफलता मिल गई, मगर बहुत दुख दिखाए तूने मुझे। माँ जी, आपने तो अपना फर्ज पूरा किया, अब बारी हम बहुओं की है। ये कहकर वह पांचों अपनी सास की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे गाड़ी में बिठाकर चल देती है, जहां गाड़ी एक बंगले में आती है। जैसे ही पांच बहुएं अपनी सास के साथ गाड़ी से नीचे उतरती हैं, वहां खड़े पुलिस वाले उन्हें सैल्यूट ठोकते हैं। बहू, ये तुम पांचों मुझे कहां ले आई हो? ये किसका घर है? आशा भराई आंखों से कहती है। ये हमारा घर है माँ जी। आपने हम पांचों गरीब बहू को सफल बनाने के लिए खुद को जिस मेहनत में झोंका, उसका नतीजा। बस माँ जी, बहुत दुख झेल लिया आपने, अब आराम कीजिए। अखिलेश जी, मोहन भैया, अब आप चारों भी मजदूरी का काम नहीं करेंगे। आपने हमारी अधूरी सपनों को पूरा किया है। हम गरीब हुए सफलता की जिस सीढ़ी पर खड़े हैं, वो आपके और सासू माँ की वजह से ही हैं। इसके बाद वह पांचों पैसे लगाकर अपने पतियों का भी व्यापार खुलवाती हैं। आज जो कोई जानकी के पांचों सफल बहुओं को देखता है, वह उसकी खूब प्रशंसा करता है। ये उनकी मेहनत और लगन ही थी जिसने एक गरीब सास की बहुओं को इतना सफल बनाया था।